4000 रुपया बीमो कौन चाहिए जी, मानर मो चाहिए बीमो ना दो ना दे दो महाराज जी, और रोग वालों रो इलाज कर दियो। ए जका ने वोट दिया, जका ने एमएलए बनाया, जका मुख्यमंत्री बनया बैठे सरकार के मां भाइयां कौन पूछो कि जियो मरो ईसा कोनी उतरे मारे कर्ज हो गयो सिर और मतलब सिस्टम ईसो हो गयो कि बीज वाला मार सके तो बड़ो धोखो करे कि मैं सोच कौन सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं इस वक्त आप देख रहे हो खेतों में पहुंच चुका हूं, और यहां पर अगर हम चोपटा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो गांव पड़ते हैं, चाहे हम नाथूसरी कलां की बात करें, जमाल की बात करें, कुताना की बात करें, मक्सुरानी की बात करें, इधर ये चोपटा क्षेत्र में जो फसलें हैं ख़ास तौर पर जो नरमा की फसल है वो हम कह सकते हैं कि 80% जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज सिरसा के उपायुक्त है वो किसानों के खेत में पहुँचे हैं और किसानों से मिले हैं, और जो उनकी फसल जो ख़राब हुई है उस फसल का उन्होंने मुआयना किया है। खुद उन्होंने जो नरमा की जो खराब फसल हुई है उस खराब फसल को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें कुछ एरिया के अंदर मुझे नरमा अफेक्टेड दिखाई दी है और कुछ एरिया के अंदर नहीं है। इसमें एक्सपर्ट हैं हमारे और हमारे रिवेन्यू विभाग इसके अंदर सारा का रिपोर्ट देगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। बीमा कंपनी भी मना कर रही है कि हमारी पॉलिसी के अंदर ये नहीं है, उसको एग्जामिन करेंगे, बीमा वालों को मिलाकर बात करेंगे। क्या आपने देखा है उसमें नुकसान कितना का मानते हैं? अभी तो कुछ एरिया देखा है, सारे एक चीज़ एक साथ नहीं बताई जाती, कुछ एरिया में नुकसान नहीं है, कुछ जगह पे नुकसान है। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं 20-25% कुछ एरिया में इसका नुकसान है। इनको मुआवजे राशि की अगर बात की जाए तो क्या इसमें कोई? अभी तो सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस पर बात की जाए। और तमाम किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, किसानों ने भी उपायुक्त को कहा है कि जो उनकी जो फसल खराब हुई है उसकी भरपाई के लिए उनको जो मुआवजा राशि है वो भी उनको प्रदान करे। इसी बीच हमारे साथ कुछ किसान हैं जो अपने खेतों में हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रविंद्र है जी। रविंद्र जी, आज थारे खेतों में मैं डीसी साहब खुद चल गया आए हैं, क्या भरोसा दियो है? माने तो भरोसा तो डीसी साहब को तो धन्यवाद करा, जका चाल के माने संभाले है, जका ने वोट दिया, जका ने एमएलए बनाया, जका मुख्यमंत्री बनया बैठे सरकार के मां भाइयां कौन पूछो कि थे जियो मरो। आज तक यहाँ बात क्यों कौन पूछी, क्योंकि हड़े सांसद जीत के उठ गया, हड़ू वोट लेके दिल्ली जाए बैठ जाए, मैं मरो चे मन कोई मतलब को नहीं, वोटा का टाइम मन संभाल लेगा कथे कुकरो। तो आज हमारी फसल नुकसान हो रहा, घड़ो ही मोटो नुकसान है, नरमे में तो मोटो नुकसान है कि जी टाबर ने पाले जू में नरमे ने पाले। डीसी को भलो है जब आपड़ो आगे माने संभाले तो है, कहीं नेता माना आगे कौन संभाले, इं कौन के थारो हाल की है? मारो कसने साहब की कितनों को नुकसान हुए? नुकसान के हुए जी महाराज, नरमे का माँ ना तो बीज वाला पूरा कर दियो महाराज, खाद का मेहनत का जान दियो, बीज पूरो कोनी है जी। 1600 रुपया बीज पड़ा, 1600 रुपया एक कुंटल नरमो कोनी है हमारे खेत में। बताओ थे कि क्या गल लगा? कोई आश्वासन दिया डीसी साहब? डीसी साहब तो घणो आश्वासन दे गया जी, डीसी साहब की कुंड चलन दे जी, ऊपर बैठी सरकार है जी, बात नहीं दे तो के इलाज है डीसी के करे जी बापड़ो एक लो। सरकार कोई उम्मीद कोई आस है आपको? हाँ डीसी साहब तो दे गया जी उम्मीद भी की है, पर सरकार उम्मीद कौन जी, सरकार की दे देगी माने ना? सरकार ता सरकार तो माने मार लाग रही है को हमारे पूछो ना थे। अच्छा एक बात और बता रविंदर जी, चोपटा क्षेत्र के कौन से गांव ये जो खराब फसल हुई है, जो जड़ गलन की जो समस्या आ रही है, फसल जो खराब हो रही है, कितने चोपटा क्षेत्र में? आटू ले गए जी, बादरा ताई रिन्ने, नोर ताई रिन्ने, भट्टू ताई रिन्ने, सरसा ताई तो गया जी, तम नरमो तो ठीक को नहीं, अरे सार ताई खराब हो रही है जी नरमो। केब तुम्हारा गांव 45 गांव है, 45 गांव में जी एक की गई 5 किलो नरमो ज्या तो हमारी मैं अगला इनाम देंगा जी। और बोलो सागे जाओ धन्यवाद करा, अपन 5 कुकर पैदा करिए, कहीं कोई नरमो बच्चों को नहीं है। अच्छा बात है, नरम फसल ने पाला बहुत दूरी पड़े जी, डीजली लागे, खर्चों की तो लागे, मारका नहीं सरकार देखने को लाग रही है, आंख मिचरा की है जी, ऊपर नारा लगा के किसान जिंदाबाद और नीचो माना ओ नरमो जी जड़ गड़े जी काटन लाग रहे जी, मारे गया मैं। बीमा कंपनी भी मुंह फेर लिया जी, बीमा कंपनी माने की कौन दे ले रहे तो दे के बुला दियो जी, 2000 रुपया कणक का दिया के दिया जी, 4000 रुपया बीमो कौन चाहिए जी, मां नरमो चाहिए बीमो ना दो ना दे दो महाराज जी, और रोग वालों रोग इलाज कर दियो। एक सारों मोटी मांग है सरकार के लोग
बिट्टी बीज काटे यहाँ कहो कहीं माँ सपरे करने की जरूरत को नहीं। आज बिट्टी नरमाएगा माँ मारो बो बुरो हाल कर दियो जको देश गए माँ आज किंग ही को नहीं मारो सागी नरमो बीज छुटा दियो और माँ ने बोले बिट्टी टू ले लियो इंगा माँ सपरे एक करनी पड़ेगी दो करनी पड़ेगी। आज मैं सपरे हूँ दस दस सपरे कर ली महाराज सपरे आड़ांगा मारे पीसा को नहीं उतरा मारे कर्जो हो गयो सिर और मतलब सिस्टम ही सो हो गयो कि बीज आड़ा मार सके इतना बड़ो धोखो करे कि मैं सोच कौन सका। चलो इतो मोटो बहुत मोटो धोखो है जी बीज आड़ा मतलब माने यहाँ कहो सरुम बीज दियो जो मारो बीज चुटा दियो बोले थानी तो बढ़िया बीज ला देंगा इतना इतना मोटा बड़ा नाम कुनिया चौका माँ चौपटा बोले प्रदर्शन कर मैं करो ला बढ़िया बीज देगा बढ़िया आदमी है मैं तो जी अंग्रेजा ना हूँ माड़ा है अंग्रेजा की सरकार अच्छी माना इन सरकार में मार सका बड़ो धोखो लाग रहा इन्हें तो अंग्रेज आ जाए तो अच्छा है कमा के तो खा लिया सावड़े। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है जी। क्या नाम है तू? महावीर। महावीर जी फसल को नुकसान हुए है आज डीसी भी पहुंचे है कोई आश्वासन दियो है के? आज किंग कौन दिया जी डीसी साहब? डीसी साहब किमी कौन दियो के कह गयो है देखांगा फसल का। अच्छा देख रहा हूं के हो है तो कि दे तो हो है मैं। अच्छा अच्छा वो बात है तो कोई उम्मीद है के? उम्मीद तो है जी उम्मीद तो है। अच्छा अच्छा हां जी क्या नाम बताऊं? बरकत है जी। अच्छा बरकत जी कितनी की एकड़ में अपनी या फसल है? 20 एकड़। हां जी 20 एकड़ में कितने की नुकसान हुए है? नुकसान जी सारे ही हो गया। सारे ही हो गया। कोई डीसी साहब आए है खेत में चाल के थारे कोई उम्मीद है के? आए कि करेगा हरीलाल हरीलो करो। तो ये मैं आपको लगातार यहाँ की नाथूश्री चोपटा ब्लॉक की कवरेज दिखा पा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि पूरा दृश्य दिखाए। ये नरमे का जो बुंटा है ये आप देख सकते हो रविंदर जी खुद एक दिखा रहे हैं ये किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। अभी जो ये फाल आना शुरू हुआ था ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये खिलना शुरू हुआ था लेकिन बिल्कुल ये पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। इससे हम कह सकते हैं कि किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर किसानों से उपायुक्त मिले हैं और उपायुक्त से किसानों ने यह दरख्वास्त की है कि उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए वो ठोस कदम उठाए ताकि उनको जो बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि फसल बर्बाद हुई है इनकी भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाएगी ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि यहाँ हम नाथूश्री चोपटा बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश से देखें तो विशेष तौर पर जो नरमा की फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद होती जा रही है। कैमरामैन जोगेंद्र शर्मा के साथ मैं विक्रम इंदौरा नाथूश्री चोपटा।